गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम करने वाले हैं टाउन्स ओकोमोडाइवल एरिया का एक क्विक रिवीजन, और हम इसमें पूरे चैप्टर को समझेंगे और क्वेश्चन आंसर प्लस बुक वर्क दोनों चीज़ों का रिवीजन करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का चैप्टर है। कुछ बच्चों ने बोला मुझे कि सर इसे समझा दीजिए प्लीज़ एक बार, ये इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं इसके। ठीक है, टाउन्स ऑफ मेडाइवल इंडिया मतलब मेडाइवल इंडिया में, इंडिया में कैसे टाउन्स होते थे, कैसे शहर होते थे, ठीक है, उसके बारे में आप इसमें जानेंगे। ठीक है बेटा, टाउन्स वर अ वेरी ब्यूटीफुल फीचर ऑफ मेडाइवल इंडिया। दीज वर वेरियस काइंड्स ऑफ टाउन। सम टाउन्स वर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, सम टाउन्स वर सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन, सम एक्टेड एज टेम्पल टाउन। ठीक है, इसमें काफ़ी प्रकार के टाउन्स बताए हैं, जिसमें से एक है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स होते थे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, सब कुछ व्यापार के लिए होते थे कमर्शियल टाउन्स, और कुछ होते थे टेंपल्स टाउन जिनमें पूजा अर्चना की जाती थी या फिर जो टेंपल्स के लिए फेमस थे, और कुछ ऐसे होते थे जिनमें सभी चीज़ें होती थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाउन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वो होते हैं जहाँ पे राजा का महल होता है, कोर्ट होता है, जहाँ से वो सारे पॉलिटिकल डिसीजंस लेता है, या फिर किसी भी मतलब बेसिकली जो राजा था कंट्री का वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में ही रहते थे। ठीक है, जैसे कि अब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्या है, दिल्ली, क्योंकि सारे नेता जितने हैं, जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो भी दिल्ली में है ना, पार्लियामेंट, और जितने नेता हैं ऑलमोस्ट सेंट्रल के सब के सब दिल्ली में ही रहते हैं, और इंडिया की कैपिटल भी दिल्ली ही है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्या हुआ, दिल्ली, द कैपिटल ऑफ चोलाज, और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन ही कैपिटल भी होते थे। ठीक है, 90%। ओके, द कैपिटल ऑफ चोलाज थंजावुर वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। चोलाज शासक थे इंडिया में, उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और कैपिटल किसको बनाया था, उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और कैपिटल बनाया था थंजावुर। ठीक है, इन द पैलेस, इन द प्लेस देयर वर मंडप्स और पवेलियंस वेयर द किंग यूज्ड टू होल्ड कोर्ट। कोर्ट वहीं पे था किंग का। ठीक है, गिव ऑर्डर एंड मेड हिज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस वो वहीं से लेता था। इन द टाउन द आर्मी वाज आल्सो स्टैंडर्ड, मतलब कि आर्मी भी उसी टाउन में रहती थी या उसी की रक्षा करती थी। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो सब जगह की रक्षा, बट वो मेन उनका होता कि हमें इस जगह की रक्षा करनी है क्योंकि हमारा राजा यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब आते हैं अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स पे। ठीक है, दिल्ली एंड आगरा वर प्रोटेक्टेड बाय फोर्ट्स। सच टाउन्स हैड मॉस्क्यू, बाजार्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड सराइज फॉर द ट्रेवलर्स। ठीक है, दिल्ली और आगरा फोर्ट से प्रोटेक्टेड थे, मतलब फोर्ट थे वहाँ पे। सच टाउन्स हैड, वहाँ पे क्या क्या थे, और मॉस्क्यूज थे, बाजार थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, और सराइज थे ट्रेवलर्स के लिए। सराइज मैंने आपको क्या बताया था, होटल्स। ठीक है, सराइज होते थे वहाँ पे। नोबल ऑफिशियल स्कॉलर, सोल्जर्स, फिजिशियन, आर्टिस्ट, एंटरटेनर लिव इन दीज सिटीज टू मीट द नीड्स ऑफ द रूलर। वहाँ पे वो लोग मिलते थे रूलर की नीड पूरी कर, जो भी मतलब जो राजा था उसे जो भी जरूरत पड़ती थी, मान लीजिए उसका गाना सुनने का मन है, या उसका कुछ नाटक देखने का मन है, या फिर उसकी बढ़िया सी पेंटिंग देखने का उसका मन है, या फिर उसका पोएम सुनने का मन है, तो वो लोग वहीं पे अवेलेबल रहते थे सब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में। ठीक है, अब आते हैं टाउन्स एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, पिलग्रिम्स मैंने आपको क्या बताया था, घूमने फिरने वाले लोग। टेम्पल्स टाउन लाइक वृंदावन इन उत्तर प्रदेश, सोमनाथ इन गुजरात, कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश बिकेम इम्पोर्टेंट। ये जो टाउन्स हैं ये उस टाइम के टेम्पल टाउन्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, टेम्पल टाउन डेवेलप्ड व्हेन रूलर बिल्ड टेम्पल्स एंड
इम्पोर्टेंट कैसे बने? जब जो रूलर्स होते थे, जो राजा होते थे, उन्होंने टेंपल को बिल्ड करना स्टार्ट किया और उन्हें डोनेशन देना स्टार्ट किया, ठीक है। पिलग्रिम्स जो विजिट करने आते थे टेंपल्स को, जैसे कि कोई बाहर से आया हो आके मंदिर देखेगा जी कितना सुंदर मंदिर है, तो वो डोनेशन देगा, ठीक है। वो डोनेट करते थे वो लोग उस टाइम पे चीज़ों को, उससे भी बहुत वो मतलब मंदिर को जितना चढ़ावा चढ़ता था उससे धीरे धीरे टेंपल्स टाउन जो है वो डिवेलप्ड होते चले गए, ठीक है। ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद टेंपल एक्टिविटी सेकंड नियर द टेंपल। जो लोग टेंपल में काम करते थे वो लोग टेंपल के आसपास ही सेटल हो गए या उन्होंने आसपास ही अपने घर बना लिए, जैसे कि पुजारी हो गया, सफाई कर्मचारी हो गए, जो मूर्तिकार हो गए, जो मंदिर में मूर्ति बनाते हैं वो सब लोग हो गए, ठीक है, जो मिस्त्री है जिसने मंदिर बनाया है या जो वहाँ पे काम करता है कोई भी है उसमें, ठीक है, वो उसके आसपास ही सेटल हो गए। प्रीस्ट्स, क्राफ्टमैन, वर्कर, ट्रेडर्स सर्व द टेंपल एंड द पिलग्रिम्स। कुछ पिलग्रिम भी वहीं पे बस गए, क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी जगह लगी वो टेंपल, उन्हें काफ़ी पसंद आया, वहाँ के लोग पसंद आए, तो पिलग्रिम्स जो घूमने फिरने वाले लोग हैं उन्होंने भी वहीं पे बसना सही समझा, ठीक है। अजमेर इन राजस्थान बिकेम ए यूनिक पिलग्रिम सेंटर। अजमेर राजस्थान में जो जगह है वो एक बहुत ही फेमस पिलग्रिम सेंटर है, ठीक है। अब तक भी ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती दरगाह अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ पिलग्रिम्स एवरी डे। ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती का दरगाह है वहाँ पे, जो कि थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स मतलब घूमने हजारों की तादाद में घूमने फिरने वाले लोग वहाँ पे आते हैं, ठीक है। कमर्शियल टाउन्स, कमर्शियल टाउन डिवेलप्ड अलोंग इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स ग्रेजुअली। दीज कमर्शियल टाउन्स वर लिंक्ड बाय रोड्स। कमर्शियल टाउन्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा थे उस टाइम का, ठीक है। वो कैसे डिवेलप हुए, कैसे डिवेलप हुए? ट्रेड रूट की वजह से, क्योंकि लोग ट्रेडिंग के लिए जो रूट बनाए जाते थे वो कमर्शियल टाउन से होना, क्योंकि वहीं पर उस चीज़ का व्यापार हो रहा है, ठीक है। दीज कमर्शियल टाउन वर लिंक्ड बाई रोड्स। रोड से जुड़े हुए थे कमर्शियल टाउन्स आपस में, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान को भेजा जाएगा वो रेल के द्वारा ही तो भेजा जाएगा, उस टाइम ट्रेन्स वगैरह तो चलती नहीं थी, तो सड़कों से ही व्यापार होता था, ठीक है। शेरशाह सूरी रिपेयर्ड द एंशिएंट इंपीरियल रोड विच कनेक्ट सोनार गांव नियर ढाका टू पेशवा इन पाकिस्तान। पेशवा को जोड़ता है ढाका से, ढाका पड़ता है बांग्लादेश में, पाकिस्तान पर पेशावर पड़ता है पाकिस्तान में। शेरशाह सूरी ने उस रोड को डिवेलप करवाया था जो कि ढाका को पेशावर से कनेक्ट करता था पूरे इंडिया को क्रॉस करके, ठीक है। उस टाइम वो इंडिया का ही हिस्सा था, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान, मेडाइवल टाउन, ठीक है, मेडाइवल टाउन, मेडाइवल टाइम। मैनी लोग सराइज बिल्ड अलोंग दिस रोड। इन रोड्स पे काफ़ी सारे सराइज खुल गए, होटल खुल गए, क्योंकि जो ट्रेडर्स थे जो व्यापार करते थे इन पे आते जाते थे उन्हें ठहरने के लिए जगह भी चाहिए होती थी, इसलिए वहाँ पे सराइज खुल गए। सराइज मतलब मॉडर्न टाइम के होटल्स, ओके। लेटरली द एम्परर जहांगीर एंड हिज सक्सेसर्स अलाउड द यूरोपियन ट्रेडर्स टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेटलमेंट एट प्लेस लाइक सूरत, मुंबई, पुदुचेरी, चेन्नई, मसूलीपट्टनम एंड कलकत्ता, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब यूरोपियन कंपनी को जहांगीर ने और उसके सक्सेसर्स ने मतलब उसके बाद जो अच्छा जो है उन्होंने व्यापार करने की परमिशन दे दी थी, उससे कमर्शियल टाउन छोड़ बढ़े, जैसे कि है पुदुचेरी है, मुंबई है, चेन्नई है, सूरत है, मसूलीपट्टनम है और कलकत्ता है, इनमें यूरोपियन कंट्रीज को मतलब जो अंग्रेज इंडिया में आए थे इनको, ठीक है। दीज प्लेसेज आर डिवेलप्ड इंटू ए रिवाइविंग कमर्शियल टाउन। जब यूरोपियंस आए तो उसके बाद से ये टाउन्स जो है बहुत डिवेलप हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवेलप हुए उस टाइम पे ये टाउन्स, ठीक है। जैसे कि सूरत बहुत फेमस है, ठीक है, अपने कपड़े के लिए बहुत जाना जाता है वो, ठीक है, इस टाइम से। अब आते हैं पोर्ट टाउन। पोर्ट टाउन मतलब जो कि समुद्र के किनारे जो टाउन्स थे जिन पे शिप को लगा सकते थे हम और व्यापार करने के लिए मतलब आने जाने में आसानी पड़ती थी समुद्र के रास्ते से, ठीक है। सिंस इंडिया डिवेलप ओवरसीज ट्रेड कनेक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, चाइना एंड यूरोप। पोर्ट टाउन लाइक पोर्ट टाउन कैसे होते थे उसमें से, जो कि एक दूसरे कॉन्टिनेंट को जोड़ते हैं समुद्र के रास्ते,
उस टाइम बड़े बड़े जहाज होते थे, पर ज्यादा बड़े नहीं होते थे उस टाइम पे, ठीक है। और कोई ट्रेड नहीं था, मतलब प्लेन से लोग आ जा नहीं सकते थे क्योंकि प्लेन का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तो इसलिए शिप्स से ही आया जाया करता था। तो इसलिए पोर्ट टाउन डेवलप हुए। सूरत ब्रोच गुजरात में है, कैलिकट कोचीन ये केरला में है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सोनार गांव आपको बताया था मैंने अभी, बंगाल में था उस टाइम पे बोर्डर ट्रेड, ये बोर्डर ट्रेड के लिए काफी फेमस थे क्योंकि अंग्रेज जो है अपने जहाज समुद्र के रास्ते ही लाते थे ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑल दिस पोर्ट एंड ए फ्यू अदर डेवलप्ड एज अ मेजर पार्ट और टाउन एंड सिटीज, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम ग्रोथ को अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन की ग्रोथ कैसे हुई। इन द मेडाइवल पीरियड इन नंबर ऑफ स्मॉल टाउन्स एमर्ज इन इंडिया, ईच टाउन हैड ए मंडी टू विच विलेजर्स फ्रॉम द नियर बाई विलेज ब्रोट दिस देयर प्रोडक्ट टू सेल। अर्बनाइजेशन का ग्रोथ कैसे हुआ, मेडाइवल टाउन में वो छोटे छोटे टाउन्स होते थे, ठीक है, इंडिया में, उन हर एक टाउन में मतलब शहरीकरण कैसे हुआ, ठीक है, गांव में लोग रहते थे, शहरीकरण कैसे हुआ, उन टाउन्स में एक सभी टाउन्स में एक मंडी होती थी, मंडी जहाँ के जो आसपास के गांव के जो फार्मर्स हैं वो लोग अपना सामान ला के वहाँ पर बेच सके, ठीक है, तो उसे क्या कहते थे, मंडी। इस तरह से धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की ग्रोथ हुई है, ठीक है। Each town had a street lined with shops or market street. हर एक टाउन में एक गली होती थी जिसमें कि लाइन में शॉप्स होती थी, ठीक है, उसे क्या कहते थे, मार्केट या बाजार, ठीक है। जैसे बाजार होता है ना, आपने देखा हो बहुत दूर तक लाइन्स में वो होती है दुकानें, है ना, ठीक है। Each town had a number of artisan and such as blacksmith, स्टोन मोसेस एंड पोर्टर्स, ठीक है, हर एक टाउन में मिल जाते थे क्योंकि इनकी दुकान थी वहाँ पर। एवरी टाउन हैड ए नंबर ऑफ ट्रेडर्स लिविंग देयर, ट्रेडर्स वहाँ पे रहते थे व्यापारी, क्योंकि उनके वो व्यापार करते थे वहीं से अपना, ठीक है। देवर ऑल्सो ट्रेवलिंग मर्चेंट मूव्ड फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, ट्रेवलिंग मर्चेंट का मतलब होता है कि कोई दूसरे देश का सामान ला के हमारे देश में बेच रहा है, फिर यहाँ से ले जाके कहीं और बेच रहा है, वहाँ पे टाउन्स में वो लोग भी मिलते थे, ठीक है। अब आते हैं जी क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया के वर्कर हैं जो हाथ से काम करते थे, हाथ के कारीगर। इंडियन क्राफ्ट्समैन एक्सेल एज वीवर्स, मेटल वर्कर्स, कारपेट मेकर्स, शू मेकर्स, ठीक है, ये सब आ गए एटसेट्रा। इंडिया वॉज द फेमस फॉर हर कॉटन टेक्सटाइल एंड 150 टाइप ऑफ कॉटन क्लोथ और प्रोड्यूस, इंडिया फेमस था अपने कॉटन टेक्सटाइल के कपड़े के लिए, कॉटन के लिए, ठीक है, और यहाँ पे 150 टाइप का कॉटन कॉटन का कपड़ा मिलता था, ठीक है। सिल्क प्रोडक्शन ऑल्सो डिवेलप एंड बंगाल बिकम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सिल्क प्रोडक्शन, बंगाली साड़ी के बारे में आपने सुना होगा, सिल्क की होती है उपयोग, वो तब से ही फेमस है, अब तक फेमस है, ठीक है। इंडियंस वर ऑल्सो एक्सपर्ट इन मैन्युफैक्चरिंग डाइज, डाइज बनाने में इंडियंस उसी टाइम से एक्सपर्ट थे, मतलब जैसे हमें कोई चीज़ कलर करनी है या अपनी जींस वींस कोई पैड हो गई है तो उसे कलर करवाना होता है तो हमसे डाई करवाते हैं, ठीक है, अगर करवाई हो आपने कभी। इंडिगो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डाई वॉज प्रोड्यूस इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, नील होता है, नील वो काफ़ी पार्ट्स में इंडिया के प्रोड्यूस होता था। इंडिया प्रोड्यूस थ्री फॉर्म ऑफ शुगर, शुगर की तीन टाइप के बना लेते हैं, जैगरी और गुड़, पाउडर शुगर एंड शुगर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डिस्टेंट कोल्ड मिश्री, ठीक है। इंडियन शुगर वर ऑल्सो सोल्ड एब्रोड, इंडिया की जो चीनी है वो बाहर भी बेची जाती थी। इंडिया ऑल्सो एक्सेल्ड इन स्टोन कटिंग एंड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ आइवरी पर्ल एंड डायमंड, इंडियंस यूज्ड साल्ट पेपर टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गनपाउडर। इन इंडिया क्राफ्टमैनशिप वॉज जनरली ए हेरिटेटरी ऑक्यूपेशन, द क्राफ्टमैन वर्क फ्रॉम देयर होम्स थ्रू दे कंटिन्यूड टू अस सिंपल टूल्स, इंडियन क्राफ्टमैन एक्सीड इन देयर फाइन वर्कशॉप समटाइम्स इन टाउन स्पेशल टू ए पर्टिकुलर क्राफ्ट।
ठीक है, इंडिया के जो टाउन्स हैं वो अपने ही अंदर किसी ना किसी चीज़ में परफेक्ट थे या उनकी कोई ना कोई चीज़ फेमस थी। ठीक है, गन पाउडर इंडिया का काफ़ी फेमस था। ठीक है, जो वर्कमैनशिप टाउन स्पेशली इन पर्टिकुलर क्राफ्ट, कुछ टाउन है जैसे जो कि पर्टिकुलर क्राफ्ट में फेमस थे, जैसे कि ढाका, पटना, वाराणसी, कंचीपुरम, ये जो चारों टाउन हैं ये इम्पोर्टेंट सेंटर थे टेक्सटाइल प्रोडक्शन के, मतलब कपड़े का व्यापार यहाँ से काफ़ी अच्छा होता था। अब आते हैं ट्रेड एज ए प्रोफेशन, ट्रेड एज ए प्रोफेशन, ठीक है, ट्रेड एज ए प्रोफेशन देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स सेलिंग प्रोडक्ट्स लाइक हॉर्सेस, सॉल्ट, सैंपल ऑफ स्पेशल फ्रॉम बिजनेस प्लेसेस। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स थे जो कि अलग अलग जगहों से ला के चीज़ें बेचते थे, जैसे शेफ्रॉन हो गया, हॉर्सेस हो गए, स्पाइसेस हो गए। ठीक है, ट्रेडर्स वर एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एंड ट्रेडर्स जो है एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था, दे वर ओफन ऑर्गेनाइज इन एसोसिएशन और गिल्ड्स, और वो लोग ऑर्गेनाइज किस में होते थे, या तो कोई एसोसिएशन होती थी या उनकी गिल्ड होती थी। ठीक है, जहाँ पर ट्रू फॉल्स है ना उसमें मंडीज लिखा है इसलिए वो फॉल्स है। ठीक है, दे द गिल्ड्स गेट अप रूलर एंड रेगुलेशन फॉर ट्रेड, फिक्स्ड प्राइस ऑफ डिफरेंट आइटम एंड प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। The item were in small quantity in bazaar and in a big quantity in mandis. Small quantity में कहाँ होता था item? बाजार में, जो दुकानें हैं उन पर small quantity में होता था, और बड़ी quantity में कहाँ पर होता था? मंडीज में, जहाँ farmer ला के होलसेल में अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, देयर वर ट्रेडिंग कम्युनिटीज, ट्रेडिंग कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं? मारवाड़ीज हैं, बनियास हैं, चेतारीज हैं, बोहरा है, मुस्लिम हु हेरिटेटरी प्रोफेशन वॉज ट्रेडिंग, जिनका कि हमेशा से जो प्रोफेशन रहा है वो ट्रेडिंग ही रहा है। ट्रेडिंग वॉज ए हाईली स्पेशलाइज प्रोफेशन इन मडाइवल इंडिया, ट्रेडिंग जो है उस टाइम पे एक बहुत हाईली प्रोफेशन था, मतलब कि काफ़ी हाई प्रोफेशन था उस टाइम पे ट्रेडिंग। ठीक है, चलो काफ़ी अच्छा मानते थे उसको। अब आते हैं फॉरेन ट्रेड पे, फॉरेन ट्रेड बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट, इंडिया हैड ए ट्रेड रिलेशनशिप विद यूरोप, इंडिया की ट्रेड रिलेशनशिप किसके साथ थी? यूरोप के, अफ्रीका के, पर्शिया के, मलाया के, इंडोनेशिया के और चाइना के। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस वर हाईली पॉपुलर आइटम विच वर सोल्ड एब्रोड, इन रिटर्न इंडिया गॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका, ब्लू पॉटरी, टिन एंड सिल्वर फ्रॉम चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड हॉर्सेस फ्रॉम पर्शिया। उस टाइम पे क्या था फॉरेन ट्रेड मडाइवल इंडिया में, उस टाइम कोई करेंसी तो होती नहीं थी एक फिक्स, जैसे कि अब डॉलर है, अमेरिकन डॉलर है। उस टाइम पे व्यापार कैसे होता था, लोग क्या लेते थे, या तो लोग वहाँ की कुछ अच्छी चीज़ें जैसे कि पर्शिया के घोड़े, ठीक है, बाकी और जो दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चन में, तो वो लोग हमारा मतलब अपना सामान देते थे और उनका सामान लेते थे जो उनका फेमस था और हमारा फेमस था, या फिर गोल्ड में व्यापार होता था, जैसे हमने कुछ सामान दिया तो उसके बदले में हम कुछ गोल्ड ले लें। ठीक है, ये हो गया आपका फॉरेन ट्रेड कैसे चलेगा, फॉरेन ट्रेड याद कर लेना अच्छे से, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट। जिसका रिवीजन फ्लो चार्ट है ना उसे नजर में से निकाल लेने के बाद उसमें सारे टाउन जो दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि कैपिटल टाउन हो गया, फंडेड टाउन, फाउंडेड टाउन हो गया, पोर्ट टाउन हो गया, कमर्शियल टाउन हो गया, पिलग्रिम टाउन हो गया। ठीक है, कल को मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन आंसर और वर्क करवा दूंगा बहुत अच्छा।
अच्छे से, ठीक है, मतलब अच्छे से तुम्हें समझा दूंगा इसके क्वेश्चन आंसर और होमवर्क, ठीक है। ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना क्योंकि ये तुम्हारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी समझ में आया उस चैप्टर में तो मुझसे पूछ लेना और वीडियो ढंग से देख लिया करो। और मैंने तुम्हें क्या बोला था कल कि सभी बच्चे मुझे अपना नाम लिख के मेरे को पर्सनली मैसेज कर देंगे। जिस बच्चे का मेरे पास मैसेज नहीं आया ना, सच में उसे मैं अक्षरशीट नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि पेपर मुझे देना है तुम लोगों को, ओके। मुझे सबके नाम, जिसने भेज दिया उसकी कोई बात नहीं, ठीक है, बट जिसने नहीं भेजा वो अपना नाम मेंशन करके, अपना सेक्शन मेंशन करके और जो नंबर उसका ग्रुप में ऐड है उसी नंबर से मुझे मैसेज करेगा, ठीक है। आज मुझे 12 बजे से पहले तुम सबके मैसेजेस चाहिए, ठीक है। जिसका मेरे पास मैसेज नहीं आया मैं उसे काउंट बिल्कुल नहीं करने का, ओके। मुझे मैसेजेस चाहिए तुम लोगों के आज सबके, मेरे पास व्हाट्सएप पे नाम और सेक्शन लिख के और उसी नंबर से जो तुम्हारा ग्रुप में ऐड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस टाउन ऑफ पढ़ाई इंडिया को अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ओके। आज इतना ही रखते हैं, बाय, देखते हैं।